नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल इलेक्ट्रिशियन स्टडी 1.0 पर। आज की वीडियो बहुत ही धमाकेदार होने वाली है क्योंकि सर्दियाँ स्टार्ट हो गई है। तो सर्दियों में क्या है, गर्म पानी की आवश्यकता होती है, तो अपन इमर्सन हीटर या फिर अपना गीज़र होता है उसके द्वारा अपन नॉर्मली पानी गर्म करते हैं। लेकिन अपन इलेक्ट्रिशियन के स्टूडेंट हैं, इलेक्ट्रिशियन से जुड़े हुए हैं, तो अपन क्या करेंगे, इलेक्ट्रिशियन की चीज़ों से अपन क्या करें, पानी बनाने का जो वाटर हीटर है किस तरह से अपन तैयार करेंगे घरों में, अपन मान लो अपन किस तरह से अपन देसी जुगाड़ करते हैं, अपन वाटर हीटर किस तरह से तैयार करेंगे। ठीक है, तो वाटर हीटर तैयार करने के लिए मेरे को एक लकड़ी का टुकड़ा चाहिए और एक हेक्सा ब्लेड चाहिए, इसी से मेरा काम चल जाएगा। कुछ केबल टाइज, ये केबल टाई होते हैं केबल को बांधने के लिए, एक कुचालक होते हैं, इंसुलेटिंग मटेरियल्स होती है ताकि अपना फेज न्यूट्रल शॉर्ट सर्किट नहीं हो सके, और कनेक्शन करने के लिए कनेक्टिंग लीड चाहिए। ठीक है, उसके अलावा पानी चाहिए, ठंडा पानी चाहिए उसको गर्म करने के लिए। तो इसके किस तरह से अपन कनेक्शन करेंगे, एक लकड़ी लेंगे अपन, लकड़ी की लेंगे और ये अपनी जो हेक्सा ब्लेड है इसका दो टुकड़े कर लेंगे। जैसे मैंने यहाँ पर ये क्या कर रखे हैं, दो टुकड़े कर रखे हैं। ठीक है, इनको लगाना किस तरह से है, एक लकड़ी लेंगे अपन आराम से और इस तरह से लगाएंगे। लगा लिया, इतना सिरा अपना, इतना इसका एक हेक्सा ब्लेड का इतना टर्मिनल निकाल लेंगे। उसी तरह से दूसरी हेक्सा ब्लेड लेंगे, दूसरा तोड़ने के बाद इनको दो पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे। पूरी हेक्सा ब्लेड है, एक ही हेक्सा ब्लेड से अपना काम चल जाएगा। उसको बीच में से तोड़ने के बाद इस तरह से दो अपने हेक्सा ब्लेड निकल जाएंगे। लकड़ी लेंगे, एक साइड ये लगाएंगे और एक साइड अपना दूसरा लगाएंगे, इस तरह से लगा देंगे। और इस तरह से लगाने के बाद क्या करेंगे, इन दोनों को बांधेंगे और बांधने के लिए इंसुलेटिंग मटेरियल्स यूज करेंगे, यानी कुचालक सामग्री यूज करेंगे ताकि फेज और न्यूट्रल जो होता है वो आपस में शॉर्ट सर्किट नहीं हो सके। इसके लिए बांधने के लिए मैं क्या यूज करूँगा, ये केबल टाई होती है, केबल टाई का काम केबलों को बांध करने के लिए होता है। अपन यहाँ पर ये इंसुलेटिंग मटेरियल्स होता है, इसको बांधने के अपन ये करेंगे, इसको बांधो आप। ठीक है, इसको बिल्कुल टाइट कर देंगे ताकि ये अपनी हेक्सा ब्लेड हिले नहीं। ठीक है, इधर से भी आगे से बांधो इसको, एक जना इसको पकड़ो, ये एक्स्ट्रा इसका जो है इसको काट देते हैं कटर से, बिल्कुल टाइट करो। टाइट करने से क्या होगा, अपनी जो हेक्सा ब्लेड होगा हिलेंगे नहीं, ढीले नहीं रहेंगे। इस तरह से टाइट कर दिया, अब देखो हेक्सा ब्लेड को इस तरह से अपन को सेट करना है। ठीक है, इस तरह से कर दिया, अभी जो केबल टाई है इसके एक्स्ट्रा जो टर्मिनल है इसको अपन काट देंगे, इसको भी काटो यहाँ से, इतना कर लेंगे, बिल्कुल आसान है। लकड़ी का टुकड़ा लिया, हेक्सा ब्लेड ली, हेक्सा ब्लेड को दो पार्ट्स में डिवाइड किया, एक इस तरह से सेट किया और एक इस तरह से सेट किया। इसके बाद क्या करना है, सप्लाई का एक वायर इधर लगाएंगे और एक वायर इधर लगाएंगे। ठीक है, ये मेरे पास क्या है, कनेक्टिंग लीड्स है। ठीक है, इसमें दो कनेक्शन हो गए, एक तो फेज का हो गया, न्यूट्रल का होगा। अब जो हेक्सा ब्लेड है उसको एक साइड से तो एक सिरा लगा देंगे, इसको बिल्कुल टाइट रखना क्योंकि इलेक्ट्रिशियन में अपने जो कनेक्शन है वो बिल्कुल टाइट होने चाहिए। लूज होंगे तो क्या होगा, स्पार्किंग हो जाएगी, शॉर्ट नहीं होगा, स्पार्किंग होती है और स्पार्किंग होने से वायर धीरे धीरे क्या हो जाएगा, जल जाएगा और टूट जाएगा, अपने कनेक्शन क्या हो गए, डैमेज हो जाएंगे। इसलिए कनेक्शन हमेशा क्या करने चाहिए, टाइट करने चाहिए। ठीक है, इस प्रकार का जो अपना वाटर हीटर तैयार करें इसमें सावधानी क्या बरतनी है कि बाल्टी में डालने के बाद हाथ नहीं डालना, सावधानी ध्यान रखनी है। और ये पानी भी अपनी जो नॉर्मल जो वाटर हीटर की जो होता है इमर्सन रोड होती है उससे जल्दी ये पानी गर्म करेगा। ठीक है, इस तरह से मैंने क्या कर लिया, अपना वाटर हीटर तैयार कर लिया, बिल्कुल आसान है। लकड़ी का टुकड़ा ले लेंगे, दो हेक्सा ब्लेड को इस तरह से सेट कर लेंगे, केबल टाई से सेट कर लें। अगर आपके पास केबल टाई नहीं है तो ऐसी चीज लो ताकि वो शॉर्ट सर्किट नहीं हो। ठीक है, मतलब इंसुलेटिंग मटेरियल से यूज करनी है, केबल टाई बेस्ट रहता है। ठीक है, इस तरह से सेट कर दिया, फिर मैंने सप्लाई के दो तार इस तरह से लगा दिया, ये दोनों तार आपस में टच नहीं होने चाहिए। इसके बाद क्या करेंगे, अपन सप्लाई दे करके इसको सप्लाई में लगाने से पहले क्या करेंगे, पानी की बाल्टी चाहिए, पानी की बाल्टी ले जाओ, यहाँ रखो, ये मेरी क्या है, पानी की बाल्टी है, पानी भरा हुआ है इसमें। क्या करूँगा मैं, ये अपनी जो वाटर हीटर तैयार किया है इसको मैं इस तरह से डाल दूंगा, डाल दिया मैंने, ये लो डाल दिया मैंने इस तरह से। ठीक है, आप यहाँ से पकड़ो इसको, यहाँ पकड़ लो, ठीक है, छोड़ दो, आपको कोई दिक्कत नहीं, यहाँ से नीचे लगा दिया। ठीक है, इस तरह से डाल दिया, सावधानी क्या बरतनी है, सप्लाई लगाने से पहले इस तरह से डाल देंगे। सप्लाई लगाने के बाद जब तक पानी गर्म नहीं होता है अपन को हाथ नहीं डालना, हाथ डालेंगे तो क्या होगा, करंट पकड़ सकता है, इस चीज़ का विशेष तौर पर अपन को ध्यान रखना है। और पानी कैसे गर्म होगा, पानी गर्म होता है तो आसपास में क्या बुलबुले उठना स्टार्ट कर देते हैं। अब क्या करना है, अपन को इसको सप्लाई देते हैं और चेक करते हैं पानी गर्म होता है या नहीं होता है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ अपना, चलो
ये अपने पास क्या है, सप्लाई का बोर्ड है, यहां से मैं सप्लाई इसको दे रहा हूं। अब इसको मैंने सप्लाई दे दी है, अब आप चेक करो कितनी मिनट में, अभी से थोड़ी सी देर में इसके आसपास क्या होगा, पानी के बुलबुले स्टार्ट हो जाएंगे। थोड़ा सा वेट करो, देखो पानी के बुलबुले स्टार्ट हो गए, पानी के बुलबुले क्या हो गए, स्टार्ट हो गए हैं। दिख रहा है आपको, मैं एक बार दिखाता हूँ आपको रोशनी करके। इस हेक्साब्लेड के चारों तरफ पानी के, पानी में क्या, पानी के बुलबुले हो गए, पानी गर्म होना स्टार्ट हो गया। इसको थोड़ा सा और डुबाओ ताकि पूरी हेक्साब्लेड अपन डूब जाए इस तरह से। आप देखो पानी के आसपास क्या हो रहा, बुलबुले उठ रहे हैं। इसको ऐसे पकड़ो, बस ऐसे पकड़ना, ध्यान से खिलाना मत। अब देखो ध्यान से देखो पानी के आसपास क्या हो रहा, बुलबुले स्टार्ट हो रहे हैं। इससे क्या होगा, पानी बहुत जल्दी गर्म हो जाता है, लेकिन नुकसान क्या है, मीटर की यूनिट से ज़्यादा आती है, ठीक है, बहुत ज़्यादा इसमें करंट जा रहा है। देखो पानी के आसपास बुलबुले स्टार्ट। सावधानी क्या रखनी है, अब ऐसे हमने सप्लाई दे रखी है, ऐसे नहीं कि पानी गर्म होनी है, हाथ दे दिए, हाथ देने से क्या होगा, इलेक्ट्रिक शॉक लग सकता है, इस चीज़ का विशेष तौर पर ध्यान रखना। अपन देखते हैं कितना टाइम लेता है, ठीक है। इसको अभी थोड़ी देर चल ले दो, आसपास चेक कर दो, पानी गर्म हो रहा है। इस तरह से बोल अपन गर्म में भी अपन वाटर हीटर को तैयार कर सकते हैं। अब चेक करने की बारी है कि पानी गर्म हुआ नहीं हुआ। मैंने दबा दिया, सबसे पहले क्या सावधानी बरतनी है, मैन स्विच को मैं ऑफ करूंगा, प्लग को निकालूंगा, प्लग को निकालो, एक जना प्लग को निकालो। प्लग को निकालने के बाद ही मैं पानी को चेक करूंगा, इससे पहले पानी को चेक नहीं करूँ, नहीं तो अपना शॉर्ट सर्किट हो सकता है, कुछ भी दुर्घटना हो सकती है, ठीक है। इसको मैं बाहर निकालूंगा, इस तरह से साइड में रखूंगा, आप चेक कर सकते हो पानी गर्म है, चेक करो गर्म है पानी, ठीक है। मैं लास्ट में चेक, इस तरह से आप घर पर भी अपना वाटर हीटर तैयार कर सकते हो, लेकिन सावधानी बहुत पड़ रही है। सावधानी क्या करनी है, इस रोड को डाला और हाथ नहीं डालना, ठीक है। अगर आपको इसी तरह की वीडियो देखनी है तो ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन प्रेस करें ताकि आगे वाले जो वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। धन्यवाद।